सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। गृहीत्वाग्र महाचक्र दृष्टो दृतुभ सुन्दरे
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुह के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युत्तामसमाम्रभाम्रजपदे स्कन्धास्तिताम्रेशणां कन्याम्रिकरबालकेतविलसा हर्ताभिधा
चक्र गदा शिखेश शिशिका चापाङ्गनं सरजने विप्राणामनलात्रिकां सजिदरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ేషాంతిశ్రోచేమ
Bhayatah
Jaya Nath Vidar Ganesh Jaya
Amen.
पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे धर्मवारी की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन, अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस माँ जगजन जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते ही अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवत का स्तवन करते ही माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि में न रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दुख जो है, जो वास्तव में जो जीवन में दुख और सुख जो है, जो आते जाते रहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख होते हैं और सर्वत्र रिद्धि सिद्धि होती है, तब जो है वह अहंकार में आता है और अहंकार में जो है वह सब भूल जाता है, मुझे करना क्या है, ये सुख जो है मुझे कैसे प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, किसकी कृपा से प्राप्त हुए, और अहंकार आ जाता है और देव जो है उसे जागृत करने के लिए ही, यदि मनुष्य जो है तप नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता, तो यही देव क्या करते हैं, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई विपत्ति सामने आ जाती है। जब मनुष्य के जीवन कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उसे परमात्मा याद आते हैं, कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है। फिर जहां फिर दुख आता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, इसने ऐसा कर दिया है, तो हमारे जीवन जो कष्ट आ गया, जो विपत्ति आ गई,
वास्तव में जो मनुष्य के सब सुख दुख जो है अपने कर्मों के फल होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म जो है, अच्छे कर्मों का फल जो है सुख है और बुरे कर्मों का फल जो है दुख है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो अपने जीवन अपना कल्याण चाहते, अपना अवधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुबोध चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दुख आए, सुख आए, कुछ भी आए, तो इस प्रकार से धर्म का कभी त्याग मत करें। धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस प्रकार भगवान की आराधना करना, भगवत की खूब भक्ति करें। भक्ति से ही पापों का नाश होते है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन जो है बस सुखी होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मनुष्य का जो स्वभाव है कि वह जो निंदक होते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उनसे क्या होता है, द्वेष होता है। हमें व्यक्ति बड़े बुरे लगते हैं, वास्तव में बुरे होते नहीं है, वो हमारा भलाई करते, हमें जागृत करते हैं। कहीं हमारी कहीं त्रुटि होती, गलती होती है, तुम्हारी निंदा करेंगे, किसी प्रकार में जागृत करते हैं और इस प्रकार से हम भी जो है उनसे, उन निंदकों से जो है सावधान रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि, क्योंकि जब कोई निंदा करने वाला है, कोई शत्रु है, तो शत्रु है, उसको पता है जो मेरा शत्रु है, जो बुरा करेगा तो कहीं ना कहीं, इसलिए कोई भी जब कार्य करता है बड़ी सावधानी सोच विचार करके, कहीं मैंने गलत कर दिया तो मुझे फंसा देगा। तो इसलिए कहा है जो मनुष्य का स्वभाव जो ऐसे है, जो निंदक होते हैं निंदकों से द्वेष करते हैं और जो प्रशंसक होते हैं आकर के चावलूसी करते हैं और जो है इस प्रकार से प्रणाम कर दिया, ऐसा कर दिया और जो है उनका तो वैसा सम्मान करते, ये बड़ा अच्छा है। तो वास्तव में होना जी चाहिए, शास्त्र जी कहते हैं कि इससे हमारा जीवन जो है, जब जब निंदक जो हमारी निंदा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती त्रुटि निकालते हैं, तो इससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। जो हमारे अंदर जो कमी है, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल सावधान रहता है, कहीं मेरे से कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं भूल ना हो जाए, और जो है विचार कर करके जब भी वह कार्य करेगा, विचार करके मेरा शत्रु भी है और कहीं ना कहीं फंसाएगा, तो जब मैं काम कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, वह मेरा सोचेगा, दस बार विचारेगा, घर परिवार से भी बात करेगा, पूछेगा जो करूं कि ना करूं, फिर जाकर के उस कार्य करते हैं, उन कार्यों में जो सिद्धि प्राप्त होती है। निंदक की सराहना करना जो है अध्यात्म नीति है, इसलिए कि जो है हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक जो है अपनी नीति पर जो है अटल और दृढ़ रहने के लिए वह हमें सावधान करता रहता है। इसलिए शास्त्र में कहा है संसार में जो है सबसे अच्छा मित्र तथा उपकारी जो है जो निंदक ही माना गया है, जब निंदक माना गया है, जब विचार करते हैं कि भय किसी को नहीं, क्योंकि भय किसी को ही नहीं छोड़ता। आप अच्छा काम भी करें तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका भय को नुक्स जो निकाल ही देगा। इसलिए बस यही देखते रहते हैं कहां मैं जो है इसकी बुराई ढूंढ सकता हूं। आप अच्छाई भी करेंगे और जो है अच्छा भी बोलेंगे शब्द, परंतु जो निंदक होता है वह कहीं ना कुछ ढूंढ लेगा और उल्टा ही बोलेगा। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र को भी जो है धोबी ने जो है उसके निंदा करने से जो है नहीं छोड़ा था। आप जानते परमपिता परमात्मा जो ब्रह्म के अवतार थे, साक्षात ब्रह्म के अवतार जो थे, उनके भी जब पृथ्वी पर आए इस मृत्यु लोक में, तो उनकी भी निंदा हुई और निंदा किसने की थी, धोबी ने। इतने नहीं, भगवान कृष्ण जो है इनके तो पूरे जीवन में जो है इस प्रकार सारे जीवन में जो है जिनकी लीला में जो है निंदक जो है जो छाए रहे, परंतु इन्होंने धर्म की मर्यादा को छोड़ा नहीं। जो अपना काम जो वक्त करते रहे, तो इसलिए मनुष्य को अपना काम जब कार्य करते रहना चाहिए, निंदक क्या कर रहा है वो करता रहे, परंतु जो निंदा करता है और जिसकी वह कर रहे हैं उसके पाप अपने सिर पे उठाता है, जिसकी निंदा करे उसका अच्छा ही होता है, वो आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त हो जाता है, परंतु निंदा करने वाला व्यक्ति जो है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी उन्नतशील नहीं होता, परंतु जिसके वह पीछे पड़ा हुआ है वह उन्नतशील हो जाएगा।
इसलिए बस सावधान रहते हैं और हर काम जो है विचार कर करके बड़ी सावधानी से वह करते हैं। इसलिए कृष्ण के जीवन में भी जो है पूरी लीला में जो है उनके जो है निंदक जो है छाए रहे, इसलिए जो है वे भी जो है धर्म नीति पर डटे रहे, उन्होंने धर्म नीति छोड़ी नहीं, चलते रहे। और जो चलता है वही जो है कामयाब होते हैं। यदि हम जो है जो ही इस प्रकार निंदा को जो है व्यापक अर्थ में ले तो जो है यही दुख है। को निंदा करते व्यक्ति दुखी हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है, सोचते विचारते रहते नहीं, अपना कर्म जो है जो करते रहे। पीछे मत हटिए, प्रतिकूल परिस्थिति जो है यही जो है घोर अपमान हो गया, महान व्याधि कहीं को रोग लग गया, विपत्तियों को जो है पहाड़ टूटना, धन संपत्ति का नाश होना, और जो है इन सब परिस्थितियों में जो है जो डटे रहते हैं कभी घबराते नहीं हैं, वास्तव में वही जो है अपने जीवन कामयाब होते हैं, वही जो है धीर एवं वीर जो हो सकते हैं। जो इसको कहें आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, जो विचलित नहीं होते ऐसी परिस्थिति में भी, वही जो है वास्तव में सफल होते हैं, क्योंकि भगवान भी वह देखते हैं उन भक्तों को। कहीं तो कहते देखिए महाराज, ये तो बुरे कर्म करता, ये तो इस जो फल फूल रहा है, इसको तो लाभ हो रहे हैं, हम तो भक्ति भी करते तो भी कष्ट आ रहे हैं। देखिए प्रत्येक को अपने अपने कर्मों का फल है, उसके पूर्व जनों के कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भोग रहे हैं, परंतु जो बुरा कर रहे हैं उसका फल भी सामने आएगा। आप अपना देखें, जो भोग कर रहे हैं उसका फल वही भोगेगा, जो आप करें उसका फल आप भोगेंगे। एक कुंग में छलांग लगाता है कि आप दूसरे देख करके उसमें छलांग लगाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए भले प्रकार से भलाई के रास्ते पर चलते हुए भला कर्म करना चाहिए। इसलिए वास्तव में जो है हमारे जीवन में जो प्रतिकूल जो है परिस्थिति जो आती है वह हमें जागृत करने के लिए ही आती है, क्योंकि भय जब हम जो है अनुकूलता में जो है रह कर बैठते हैं और सुख भोग में जो है सुख भोग के नशे में जो है हम जो इस प्रकार से परमात्मा को भूल जाते हैं, उसका ध्यान रहते नहीं परमात्मा क्या है। बहुत सारे ऐसे धन संपत्ति जो है जब प्राप्त हो जाती है तो वह कहते हैं कि हम तो ठीक है, हमारा ठीक चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की। मैं तो कई बार कहते, कुछ लोग कहते हैं हमारा शरीर ठीक नहीं चल रहा है, राहु ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए ग्रह दशा अच्छी नहीं है, कोई उपाय भी तलाशिए। देखिए जे शनि चाहे राहु में कहते इनकी दशा है तो अच्छी है, जब इन क्रूर ग्रहों की दशा आती है तो मनुष्य क्या करता है, धर्म कर्म करता है। पंडित बहते कहते हैं मां मृत्युंजय का जप कीजिए, शनि का जप कीजिए, शनि के मंदिर में जाइए, वहां पर तेल चढ़ाइए, पीपल को दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, माँ वैष्णो देवी के जाइए, वहां प्रार्थना कीजिए, तो ये ग्रह जो है अच्छे कर्म करवाते हैं। जब जो है अच्छे जो है ग्रह चल रहे होते हैं, महाराज जो उच्च का बृहस्पति है, बृहस्पति दशा चल रही है, तब कहते हैं कि आपको तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके जो ग्रह दशा जो है अच्छी दशा है तो आपके अच्छे कर्म थे, और उसमें मस्त होकर के हमारा क्या कुछ नहीं है तो ठीक है, अच्छा फल मिल रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं। पुण्य कर्म किए उसका फल मिल रहा है, आगे पुण्य करोगे तो आगे भी ठीक रहेगा। यदि आप कुछ करोगे नहीं, आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक में पैसा है और जमा करवाना बंद कर देंगे और वहां से निकला करके खाते रहेंगे, और जिस दिन समाप्त होगा आप जाओगे तो मैनेजर भी कहेगा महाराज अब तो खाता खाली है, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जो पुण्य जो होते हैं, पुण्य का फल होता है सुख जो है, हमारे जीवन सुख आते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे सारी रिद्धि सिद्धि थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, अचानक से ऐसा हो गया और सब का सब समाप्त हो गया। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्न पूर्व जो है पुण्य अर्जित जो है ये करता रहना चाहिए। इसलिए जब जो है अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम सब भूल जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भगवान याद आते हैं, हमें भक्ति करनी, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जब भगवान भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में जिस संदेश देते हैं, जागृत करते हैं कि आप भूलिए मत, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है, इसलिए उसकी कृपा जो है हम पर जो बनी हुई है उसका कम से कम प्रातःकाल सायंकाल जो है धन्यवाद तो कर दें।
जमनुष्य देह जो है जो बड़ी कृपा उसके जो प्राप्त हुए हैं आप देखिए। माता कुंती जो है, माता कुंती ने जहां तक प्रार्थना की है भगवान से कि विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगदगुरुः भवतो दर्शनम जत स्याद पुनरव पुनर्भव दर्शनम, कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है। जब भगवान से वरदान मांगने के लिए कहा कि आपको जो इच्छा मुझसे वरदान मांग लो, जिस समय की बात है जिस समय माँ भारत का जो जस समाप्त हो चुका था, पांडव को राज्य प्राप्त हो गया, सब ओर से सुखी सुख था, तब जो है भगवान ने जो है अब जो है वहां से द्वारका जाने के लिए तैयार हुए और रथ पर बैठे द्वारका प्रस्थान किया, तो रास्ते में माता कुंती जो थी जिससे दो सेविकाओं ने जो है पकड़ा हुआ ही अधिक अवस्था हो चुकी है और जो है वह रास्ते में खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब सामने देखा कि भुआ कुंती जो सामने है तो उन्होंने रथ रोका, नीचे उतरे। प्रतिदिन का नियम था जब तक वे इनके साथ अगर सेनापुर में रहे तो जो है वह प्रतिदिन भुआ कुंती को प्रणाम किया करते थे और भुआ कुंती उन्हें आशीर्वाद देती थी। अब रथ से नीचे उतरे हैं, जैसे सामने गए तो आज माता कुंती ने जड़ से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, बोलो सच्चे दरबार की जय। जब प्रणाम किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं जी आप क्या करते हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं। तो उस समय माँ कुंती ने यही कहा था कि आज तक मैं भी यही समझते थे आप मेरे भतीजे हैं, मैं आपकी बुआ हूँ, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ है आप किसी के भतीजे नहीं, आप तो सबके पिता हैं, परम पिता परमात्मा है। आज मुझे ये ज्ञान हुआ है कि जब तक हमारे जीवन में दुख थे हमारे साथ साथ चलते रहे। भगवान जब वास्तव में जिनको सब कुछ दे देते हैं उनके साथ रहते नहीं, और जिनका सबको छीन लेते हैं उनके साथ रहते हैं। पांडव के साथ रहे, राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, परंतु भगवान कृष्ण उनके साथ साथ रहे। माता कुंती कहती है कि आज सब प्रकार के सुख प्राप्त हो गए तो आप हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए मैंने विपत्ति मांगी है कि हमारे जीवन दुख आए, दुख में आप स्मरण होते हैं, आपका जब स्मरण होते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, आपके दर्शन होते हैं तो ये जीव जो है जन्म मन से मुक्त हो जाता है, बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से हे जगद्गुरु हमारे जीवन जो है सर्वदा पद पद पर जो है विपत्तियां आती रहे, ऐसा जो वरदान जो है जो कुंती माता मांग रही थी, इसलिए जो है जो भगवान जो मैं आपको बतला रहा हूं वह जागृत करते हैं कि इसलिए संपत्ति में जो है भूलिए मत, जो संपत्ति में जो है भगवान का स्मरण करते हैं उनको भूलते नहीं है, कभी अहंकार नहीं करते हैं, उन पर कभी विपत्ति नहीं आती। इसलिए जो है सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते रहना चाहिए। कबीर जी ने भी कहा है बलिहारी बात दुख की पल पल नाम रटाए, जब दुख आते हैं हर क्षण हर पल जब व्यक्ति जो है भगवान का स्मरण उठते बैठते जागते रात में नींद आती नहीं भगवान का स्मरण फिर होता है, तो किसी प्रकार से हमारा जो कष्ट कट जाए तो उससे क्या होता है देखिए सोना होता है, सोने को सुनार क्या करता है आग में तपाता है, जब आग में वह तपता है तो उसमें निखार आता है चमक जाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में जब दुख आते हैं तो मनुष्य क्या करता है भक्ति करता है, जब भक्ति करता है तो इस प्रकार से उसमें चमक जो है इस पर वह चमकना शुरू हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं, फिर वह भूलता नहीं परमात्मा को। इसलिए भगवान जो दुख देख करके भक्ति करवाते जी व्यक्ति स्वेच्छा से तप नहीं करते हैं तो भगवान स्वयं तपाते हैं, दुख देख करके अपने आप अपने शरणों में लगा लेते हैं। इसलिए जो है भगवान कहते कभी क्योंकि ये बड़े ऐसे महापुरुष हुए जिनके जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए दुख आए परंतु उन्होंने कभी जो है पीछे मुड़ करके देखा नहीं। राजा शिव हुए हैं उनके जीवन में कष्ट आए हैं, राजा नल हुए हैं, मैं कुछ पूर्व कुछ दिन पहले राजा नल की कथा में दमयंती नल की कथा सुना रहा था, उनके जी सब कुछ लुट गया था तो सब कुछ चला गया परंतु ने धर्म का त्याग किया नहीं, अंत फिर पुनः वापस सब कुछ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कहा है
राजा अम्बरीश हुए हैं, राजा बलि हुए हैं, पांडव हुए हैं, पांडवों के जीवन कितने कष्ट हैं, द्रौपदी के जीवन कितने कष्ट हैं, विद्रोह हुए हैं, महाराणा प्रताप जी हुए हैं, ऐसे छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इस प्रकार गुरु नानक, गुरु जो है तेग बहादुर जी, गुरु अर्जुन सिंह जी, इस प्रकार महात्मा गांधी आदि, इनके जीवन कितने कितने कष्ट है, कितनी विपत्तियां आई हैं, कितने लोगों ने इनकी जो है निंदा भी की है, ऐसे जो हैं इनके जीवन कष्ट विपत्तियां हैं, परंतु जो कभी भी जो है इन महापुरुषों के ऊपर कितने जो है जो कष्ट आए, दुख आए हैं, तो जैसे इनका अपमान भी हुआ तो भी जो है जो कभी पीछे मुड़े नहीं, इसलिए चाहे कोई निंदा करता है, कुछ करता है, परंतु इन्होंने धर्म का त्याग किया नहीं। तभी कहा है कबीरदास कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी सभाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सभाय। बिन साबुन और बिन पानी ही वह निर्मल कर देते हैं। इस प्रकार से जो निंदा करने वाले हैं, ये जितने महान पुरुषों के मैंने जो नाम आपको बतलाए हैं, इनकी बड़ी बड़ी निंदा हुई थी, इनके जीर्ण बड़े बड़े कष्ट विपत्तियां हैं, तो भी जो है जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करते हैं, भगवान उनके अंगसंग होते हैं और उन्हीं का नाम, उन्हीं का यश, उन्हीं का कीर्ति जो है संसार में अटल बन रहती है। आज हम सब जो है बड़े आदर से उनका नाम उच्चारण करते हैं, ऐसे जो महापुरुष हुए। इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, जो भगवती की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, क्योंकि एकमात्र माँ की शरण है, जो माँ के शरणागत होकर माँ की भक्ति करते हैं, जे भगवती उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती हैं, और जिन भक्तों को माँ की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन कभी उनका अमंगल होता ही नहीं, उनके सभी जो है कष्ट दूर होते हैं, और माँ हर क्षण हर पल जो उनके अंगसंग रहते हुए सब और सब भक्तों का कल्याण करती हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भक्तों के आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए, क्योंकि माँ जिनका भला करना चाहती है, जिनका कल्याण करना चाहती है, उन्हीं के अपने चरणों के साथ लगाती हैं, अपने दरबार में बुलाती हैं, चरण में बिठाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और इस प्रकार से भक्तजन माँ के दरबार में आकर के माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवती का आशीर्वाद से वह सभी भक्त जो हैं परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, और उन भक्तों की सब मनोवलक्षित कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि देवी की पूजा, इस शक्ति की उपासना, माँ की भक्ति जो है ये जो है अवश्य करें, क्योंकि ये भगवती कल्याणमयी कल्याण को देने वाली ही, कल्याण को करने वाली ही, और इस कल्याणमयी देवी के जो शरणंग धोकर के माँ की उपासना करते हैं, उनका सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ, श्री विजय कुमार जी से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना चालू जाते श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दास बोल सच्चे दरबार की जय। शेरों वाली माँ हमें तेरा ही सहारा है, 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 तेरे ही सारे परिवार हमारा भक्तों के हर जी से विचार करें, आपके झोलियां भरे, आपके मुरादे पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है।
में भी दुख में भी साथ निभाया है। All right.
सच्चे दरबार की जय। जयकारा शिरोमणि जी का सच्चे दरबार की जय। हे जगत में उनकी मिट्टी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गिरे है। जगत में उनकी मिट्टी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गिरे। जगत में उनकी मिट्टी है चिंता, जो तेरे पाया
तुमको पाया भेंट चढ़ा कर ना तुमको पाया किसी ने बात ना तुमको पाया भेंट चढ़ा कर ना तुमको पाया किसी ने गाकर ना तुमको पाया भेंट चढ़ा कर ना तुमको पाया किसी जयकारा श्रीरामली दा बोल सच्चे दरबार की जय फुला दा बनाया तेरा हार श्रीरामली ओदी च बिठा के दे दे प्यार श्रीरामली फुला दा बनाया तेरा हार श्रीरामली ओदी च बिठा के दे दे प्यार श्रीरामली फुला दा बनाया भुला दा बनाया तेरा हार शेरावालिए ओदी च बिठा के तेरे प्यार शेरावालिए भुला दा बनाया ओ मैं भुला दा बनाया भगत दयालू ने ज्ञान तेरा लाया कटे होए कोने दा माले प्यार तेरा लाया ने कटे होए घोड़े दा माशीष मिलाया नी भगत प्यानू ने प्यार तेरा लाया नी कटे होए घोड़े दा माशीष मिलाया नी भगत प्यानू ने प्यार तेरा लाया थी कटे होए घोड़े दा तोड़िया अहंकार शेरवालिए गोदी च बिठा के दिल प्यार शेरवालिए भुला दा बनाया तेरा हार शेरवालिए गोदी च बिठा के दिल प्यार शेरवालिए भुला दा बनाया तेरा हार शेरवालिए गोदी च बिठा के दिल प्यार शेरवालिए भुला दा बनाया ओ मैं भुला दा बनाया चंडी रूप तार के दुष्टानू सिवारिया चंडी रूप तार के दुष्टानू सिवारिया
बाजार के दुष्टानु निवारिया सदा किसी को सुधारे न सारिया सब नाले खुला तेरा द्वार शेरा मारिए वो दिच विघात तेरे जहाँ तेरा मारिए सब नाले खुला तेरा द्वार शेरा मारिए वो दिच बिठा के राजा बनाया तेरा हार शेरा वालिए कोई जो भी ढक दे दे प्यार शेरा वालिए राजा बनाया तेरा हार शेरा वालिए कोई जो भी ढक दे दे प्यार शेरा वालिए राजा बनाया तेरा हार शेरा वालिए कोई जो भी ढक दे दे प्यार शेरा वालिए राजा बनाया तेरा हार शेरा वालिए कोई जो भी ढक दे दे प्यार शेरा वालिए राजा बनाया ओ मैं राजा बनाया जयकार श्री रमणी बोल सच्चे दरबार की जय जय करा मेरी शेरावाली मेरा जीदा बोल सच्चे दरबार की जय निरचन मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे निरचन मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे निरचन मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे नच लैन दे नी 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 मैनू नच लैन दे नच लैन दे द्वार अज मैनू नच लैन दे दुनिया ले मैं नचया बतेरा ओ दुनिया ले मैं नचया बतेरा फिर भी कुछ नहीं बनया मेरा फिर भी कुछ नहीं बनया मेरा तुम्हें प्रीत मैया दे नाल अज मैनू नचना नच लैन दे नच ना मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे नच ना मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे द्वार मैया दे जावांगा मैं द्वार मैया दे जावांगा मैं प्यार मैया दा पावांगा मैं जग रुख दाता जग रुख दाता रुख लख बार अज मैनू नच लैन दे जग रुख दाता रुख लख बार अज मैनू नच लैन दे नचना मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे नचना मैया दे द्वार अज मैनू नच लैन दे खोलो नहीं डरना खोल मैं किसे खोलो नहीं डरना जो मन आया सो यो करना जो मन आया सो यो करना झूला लिया चरण दे नाल अज मैनू नच लैन दे झूला लिया पैरों पिछ पवे पैजन छे ओ
वाले हक दे नहीं तेरे मत वाले हक दे नहीं तेरे मत वाले पीत जिनाने पे मत चले पीत जिनाने पे मत चले रुक दे नहीं तेरे मत वाले जय कराम ऋषिराम वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय बंद कंचन ऋषिराक्ष माला पाशा कुशाच हर धाम जबाहु दंड विभ्रनमेन्द्र शकला वरणं त्रिनेत्रं अर्धनितेशमनिशं वपुरशयामि सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के संकल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा है जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ विभूति की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ विभूति का स्तवन कर रहे हैं ये तपस्थली है तपो भूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और माँ वैष्णो देवी गुफा के अंदर दिव्य पिंडी गुरु विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी भक्तों की रक्षा करेंगी। जो भी भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति पूर्वक इस माँ जगजंड के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इन देव पिंडी के सन्नतमस्त होते ही उन्हें इन तीनों माताओं का माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इन तीनों देवियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते ही इस आशीर्वाद से जो है वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान सस्वे भव प्रज्ञा भान भव भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य धर्म दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपचारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस आज समारोग्यमाविदात् शुभमानम् हीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे मैया जय मैया जय मंगल करनी मैया जय
मैया जी को विश्व दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय ओम बे गौरी हरी हर स्वामी भगवान चित फल पावे
तेरी सदा ही जय। संत मन अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने गोदार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मल भलो भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। समझ करके बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो देहि, यशो देहि ध्वजो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः, शांतिः, शांतिः, शांतिः। और शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण, माया कह तो सतगरी चरणा जय। Thank you.
मनोकामना पूरी हो। जय कराश्रम अलीदा।